नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक ट्विन टावर को ढहाने की तैयारी पूरी हो गई है। आज विस्फोटक लगाकर सभी मंजिलों को तार से जोड़ दिया गया है। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ और नोएडा पुलिस कमिश्नर ने तैयारियों का जायजा लिया। ध्वस्तीकरण के लिए जिम्मेदार एडिफाइस इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता ने कहा कि अब भगवान के अलावा हमें कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने बताया कि हर मंजिल पर लगे विस्फोटक को तार से जोड़ दिया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता ने बताया कि हम 100 मीटर दूर से बटन दबाकर विस्फोट करेंगे। भारत में इतना बड़ा ध्वस्तीकरण पहले कभी नहीं हुआ है। हमने अफ्रीका में इससे बड़े ध्वस्तीकरण किए हैं। मयूर मेहता ने कहा कि इस इमारत के ध्वस्तीकरण के बाद करीबन 12 से 15 मिनट तक धूल रहेगी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि मलबा बगल की बिल्डिंग में नहीं जाएगा, और अगर जाएगा भी रिहायशी बिल्डिंगों को विशेष प्रकार के कपड़े से ढका गया है, जिसकी वजह से मलबा वहां नहीं जा पाएगा। एडिफाइस इंजीनियरिंग का अनुमान है कि जब ये दोनों टावर गिरेंगे तो लगभग 3000 ट्रक मलबा निकलेगा, और इस मलबे को साफ करने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि जो मलबा निकलेगा उसकी कीमत करीबन 13 करोड़ होगी, जबकि इसे गिराने का खर्चा करीबन 17.55 करोड़ रुपए होगा। आपको बता दें कि नोएडा के 40 मंजिला सुपरटेक ट्विन टावर्स को 28 अगस्त को गिराया जाना है। नोएडा सेक्टर 93A में अवैध रूप से निर्मित इमारत पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों टावर को विस्फोटक से गिराने के लिए हरी झंडी दी थी। इसका अभ्यास 21 अगस्त को शुरू होना था, लेकिन अदालत ने नोएडा प्राधिकरण के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और इसकी तारीख 28 अगस्त तक बढ़ा दी।